ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे कि भगवान ने कर्दम मुनि के वीर्य के द्वारा देवहूति के गर्भ में प्रवेश किया। अब यहां पर आचार्यों ने बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ समझाया है कि भगवान जो है उनका जन्म हमारे जन्म के बराबर नहीं होता है। भगवान का देखा जाए तो कोई जन्म है ही नहीं, भगवान तो सनातन है। लेकिन इस भौतिक संसार में जब भगवान आध्यात्मिक संदेश प्रदान करना चाहते हैं तो या तो भगवान स्वयं आते हैं, जब भगवान आते हैं तो अपने भक्त के घर में पुत्र के रूप में भगवान अवतार लेते हैं या भगवान स्वयं आते हैं। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर देखा है, जब भगवान कृष्ण स्वयं आए तो उन्होंने अपने दो भक्तों को, देवकी और वसुदेव को, अपने पिता के रूप में स्वीकार किया और देवकी को अपनी माता के रूप में स्वीकार किया और देवकी के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया। जैसे मानो एक आम व्यक्ति जन्म लेता हो, तब हम लोग भी सोचेंगे कि भाई हम भी तो इसी प्रकार से जन्म लेते हैं, भगवान ने भी इसी प्रकार से जन्म लिया, तो क्या अंतर है, उसमें डिफरेंस क्या होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पास में कोई चॉइस नहीं होती है, हमारी कोई फ्रीडम नहीं है, हमारे पास में स्वतंत्रता नहीं है। हम में से कितने लोगों ने ये स्वतंत्रता के साथ में चॉइस की थी, ये चुना था, मैं मेरे माता पिता ये होने चाहिए, मैं इनके गर्भ में जन्म लेना चाहता हूँ, मैं इस स्थान पर जन्म लेना चाहता हूँ, मेरी शक्ल इस प्रकार से दिखनी चाहिए। हम में से किसी ने भी इस प्रकार से नहीं चुना है। हमारा जन्म कर्म के अनुसार होता है। देवनेत्रेणा देहर जंतुर देह उपपद्यते, भौतिक संसार में कर्मेण अपने कर्म के अनुसार और देवताओं की भगवान की निगरानी के अनुसार हम इस भौतिक संसार में अलग अलग जगहों पर जन्म लेते हैं। लेकिन भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान अपनी स्व इच्छा से, और जब भी भगवान जन्म लेते हैं आत्म मायया, अपनी आत्म माया योग माया उसके अंतर्गत में भगवान जो है संसार में जन्म लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि देवकी के गर्भ से जब भगवान ने जन्म लिया तो देवकी का गर्भ भगवान का जन्म स्थान हो गया। इसी प्रकार से देवहूति के गर्भ से अब भगवान कपिल मुनि के रूप में जन्म लेंगे तो देवहूति का गर्भ जो है भगवान का जन्म स्थान हो गया। ये भगवान ने अपनी स्व इच्छा के द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। भगवान चाहे तो अपने भक्त की इस प्रकार से उनके गर्भ से जन्म लेते हैं या उनके वीर्य में भगवान आश्रय लेते हैं, और भगवान अगर चाहें तो एक खंभे से भी जन्म लेते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु के महल में प्रहलाद के कहने पर भगवान एक खंभे के अंदर से, स्तंभ के अंदर से भगवान ने जन्म लिया,
नरसिम्हा के रूप में, तो क्या वो खंबा भगवान का जन्म स्थान है? इसी प्रकार से हम भागवत में देखते हैं कि भगवान ने वराह के रूप में ब्रह्मा की नासिका में से, उनके नाक में से श्वास के रूप में जब भगवान बाहर निकले तो भगवान ने वहां से जन्म लिया। तो कभी भगवान ब्रह्मा की नाक से जन्म लेते हैं, कभी भगवान जो है हिरण्यकशिपु के खंभे के अंदर से जन्म ले सकते हैं, या फिर भगवान जो है देवहूति या देवकी के गर्भ से जन्म ले सकते हैं। तो भगवान का जन्म जो है दिव्य होता है, और अगर हम उसको सही प्रकार से समझ लें तो हमारा जीवन जो है श्रेष्ठ बन जाता है, भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और मेरे कर्म सब दिव्य हैं, भौतिक संसार के नहीं हैं। हम सब भौतिक, हमारे जन्म और कर्म दिव्य नहीं हैं, वो भौतिकता से जुड़े हुए हैं। और भगवान कहते हैं कि भगवान के जन्म कर्म को अगर हम सही प्रकार से समझ लें तो संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नाइति मामेति सो अर्जुन। भगवान के जन्म कर्म सही प्रकार से समझने के बाद, शरीर को छोड़ने के बाद दोबारा संसार में पुनर्जन्म नाइति, दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम भगवान के धाम में प्रवेश कर पाएंगे, ये श्रेष्ठता होती है। तो हमें जो है सही प्रकार से भगवान के जन्म के बारे में समझना चाहिए कि भगवान अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए उनके पुत्र के रूप में भगवान जो अपने घर डिवोटी अपने भक्त के घर में इस प्रकार से जन्म लेते हैं। अन्यथा भगवान किसके बेटे हैं? भगवान तो सबके पिता हैं, भगवान तो सबके पिता हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदापिता, मैं सबका पिता हूँ। लेकिन लीला के अनुसार अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए भगवान जो है उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा उनके पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। तो जब भगवान ने इस प्रकार से प्रवेश किया तो भागवत में कहा है सारे आकाश में जितने भी स्वर्ग लोकों में जितने भी उच्च लोकों में जितने भी देवता गण थे अत्यंत प्रसन्न हो गए और भगवान का उन्होंने भव्य स्वागत किया। नाद स्वरों के द्वारा मृदंग बजा करके जो गंधर्व लोक के जो अनेकों प्रकार के गीत गाते हैं भगवान की खुशी के लिए उन्होंने गीत गाए, और जो स्वर्ग में जो अप्सराएं हैं उन्होंने अपने नृत्यों के द्वारा भगवान के आगमन का स्वागत किया, और जो देवतागण अनेकों लोकों में हैं वहाँ से उन्होंने पुष्पों की वर्षा की भगवान का जो है भव्य स्वागत करने के लिए। और ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ में, मरीचादि पुत्रों के साथ में और अन्य महान साधुओं संतों के साथ में अब कर्दम मुनि के घर पर पहुँच गए, उनके आश्रम में पहुँच गए भगवान से प्रार्थना करने के लिए। क्योंकि भगवान कहाँ पर हैं? भगवान जो हैं उन्होंने देवहूति के गर्भ में आश्रय लिया है, और ब्रह्मा क्योंकि वो स्वराट बताए जाते हैं, स्वयंभू बताए जाते हैं, मतलब उन्हें जो है किसी और से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वयं भगवान के द्वारा वो शिक्षित हैं, इसलिए उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। उनका डायरेक्ट जन्म भगवान की नाभि से हुआ है इसलिए उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। तो उन्हें तो ज्ञात है, उन्हें तो पता है, उन्हें तो आत्म साक्षात्कारता है कि भगवान जो है उन्होंने देवहूति के गर्भ के अंदर में कपिल मुनि के रूप में आश्रय ग्रहण किया है। तो अनेकों प्रकार से उन्होंने वहाँ पर आकर के भगवान की उपासना की, भगवान को प्रसन्न किया, और बाद में अब वो कर्दम मुनि और देवहूति
उनकी महिमाओं का वर्णन करते हैं बड़े प्रसन्न हो करके, और क्योंकि वो भी पूजनीय है। भगवान अगर किसी के घर में पुत्र के रूप में जन्म ले रहे हैं तो वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो आम व्यक्ति नहीं है। देवकी और वसुदेव, माता यशोदा और नंद महाराज, इसी प्रकार से कर्दम मुनि और देवहूति, जिनके पुत्र के रूप में भगवान जन्म ले रहे हैं, ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है। एक ब्राह्मण भक्त जो है उपासना करते हुए बड़ी श्रेष्ठ बातें कहते हैं। वो कहते हैं, देखिए एक बड़ा सुंदर श्लोक है, वो कहते हैं, श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे। कुछ लोग श्रुति की उपासना करते हैं। श्रुति किसे कहा जाता है? चार वेदों को श्रुति बताया जाता है। ये जो उपनिषद हैं, वेदांत हैं, चार वेद हैं, ऋग्वेद अथर्ववेद, ये जो वेद हैं इनको श्रुति कहा जाता है। कुछ लोग श्रुति की उपासना करते हैं, स्मृतिम इतरे, और कुछ लोग स्मृति जैसे रामायण है, ये सब जो है स्मृति बताई जाती हैं। तो कुछ लोग श्रुति की उपासना, कुछ स्मृति की उपासना, भारतम मन्ये, और कुछ महाभारत की उपासना करते हैं। क्यों करते हैं? भजन्तौ भवभीतः, इस भौतिक संसार के अनेकों प्रकार के कष्टों से परेशान हो करके, भयभीतः परेशान हो करके, कुछ श्रुति की, कुछ स्मृति की, कुछ महाभारत की उपासना करते हैं। लेकिन वो कहते हैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं किसकी उपासना करता हूँ? वो कहते हैं, अहम इहम इह नंदम वंदे, मैं नंद महाराज की उपासना करता हूँ। मैं ना श्रुति की उपासना करता हूँ, ना स्मृति की उपासना करता हूँ, ना महाभारत। मैं किसकी उपासना करता हूँ? मैं नंद महाराज की उपासना करता हूँ। क्यों? यस्या लिंदे परम ब्रह्मा क्योंकि उनके घर में, उनके आंगन में भगवान कृष्ण जो परम ब्रह्मा है, वो स्वयं भगवान जो है उनके आंगन में खेल रहे हैं। तो कहते हैं, यस्या लिंदे परम ब्रह्मा, मतलब जिनके आंगन में स्वयं परम ब्रह्मा, क्योंकि श्रुति की उपासना, स्मृति की उपासना, महाभारत की उपासना क्यों की जाती है? भगवान की प्राप्ति करने के लिए। और भगवान की प्राप्ति तो नंद महाराज को ऑलरेडी है, तो उनकी अगर हम उपासना करें तो भगवान की प्राप्ति हमें भी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी जो हैं, इनका भी गुणगान करते हैं कि तुम बड़े श्रेष्ठ हो, कि कर्दम मुनि और देवहूति तुम्हारी उपासना के द्वारा भगवान प्रसन्न होकर के तुम्हारे पुत्र के रूप में भगवान जन्म ले रहे हैं। और अब ब्रह्मा जी जो हैं कर्दम मुनि से कहते हैं, हे पुत्र, तुमने मेरे आदेशों का पालन किया बिना किसी त्रुटि के और निष्ठा के साथ में मेरी आज्ञा का पालन किया, मैं उसके द्वारा अत्यंत प्रसन्न हूं। और वो कहते हैं, यही सही तरीका है एक पुत्र का और एक शिष्य का, कि जो पिता जो उनसे श्रेष्ठ पोजीशन पर, श्रेष्ठ स्थान पर हैं, उनके आदेशों का पुत्र जो है पालन करे बिना आर्ग्यूमेंट के। और इसी प्रकार से गुरु का स्थान है जहाँ पर उनका शिष्य बिना किसी संकोच के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के गुरु के आदेशों का, दिए हुए आदेशों का पालन करे।
और उसके लिए वो शब्द जो हैं वो कहते हैं बाध्यम इति। बाध्यम इति मतलब जो आप कह रहे हैं मैं उसका पालन करूंगा। जो आप कह रहे हैं बाध्यम, ये मुझे जो है बाध्यम है, मैं इसके द्वारा बद्ध हूं। आपने जो आदेश दिए हैं मैं उसका पालन जरूर करूंगा। तो यही आध्यात्मिकता में प्रगति का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि अगर हम अपने प्रमाणिक गुरु के आदेशों का निष्ठा के साथ में, बिना आर्ग्यूमेंट के साथ में, और बिना ऐसे सोचे कि भाई मैं पालन करूंगा, सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वो भूल जाओ कि तुम सफल होगे या विफल होगे, उसकी चिंता मत करो। अपने प्राण की भांति गुरु के आदेशों का जो पालन करता है उसे भगवान की प्राप्ति निश्चित है, ये हमें समझना चाहिए। इसे कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि एके हे गुरु नंदना। इस श्लोक के ऊपर टिप्पणी करते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि गुरु के आदेश को हमें आत्मा के बराबर, प्राण के बराबर समझना चाहिए। जिस प्रकार से हमें अपने प्राण प्रिय हैं उसी प्रकार से गुरु के आदेशों का हमें पालन करना चाहिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो वो बड़े प्रसन्न हो गए और बाद में जब उन्होंने देखा कि कर्दम मुनि की संतानें जो हैं 9 पुत्रियां हैं, तो बड़े प्रसन्न हो गए। और अब उन्होंने कहा कि हे कर्दम, तुम्हारी ये पुत्रियों का विवाह 9 जो बड़े ही महत्वपूर्ण संत हैं, महात्मा हैं, उनके साथ में इनका विवाह कर दो और शीघ्र ही तुम्हें जो है भगवान अपने स्वयं एक अंश के द्वारा जो है, जो प्रवेश उन्होंने किया है देवहूति के गर्भ में, अब वो जन्म लेंगे। तो अब आगे की कथा का वर्णन हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।